सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। सभी को नमस्कार। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार लवनीश सर की क्लास चैनल पर जाकर ये इंश्योर हो जाएं कि आपने नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसे सही ढंग से दबा रखा है। अगर आपने सही ढंग से दबा रखा है तो उसकी नोटिफिकेशंस को आप ऑल यानी AL पर सेट कर दीजिए, ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपके पास हमारी लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो की आ सकें। अगर फिर भी ये नोटिफिकेशंस आपके पास नहीं आ रही हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक या दो घंटे बाद आप इस चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें कि हमने कोई लेटेस्ट या अपडेटेड वीडियो डाली है या नहीं, क्योंकि मैं हर एक या दो घंटे में अपनी लेटेस्ट वीडियो उस पर सेंड करता रहता हूँ, पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप उस पर जाकर देखेंगे तो आपको उस वीडियो से और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4, जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के विषय से। और इसमें हम जिन टॉपिक्स के बारे में समझेंगे वह हैं क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा, गैलेक्सी जिसको हम गैलेक्सी भी कहते हैं, और ब्रह्मांड। तो आपको तो याद ही होगा कि पिछली 4 वर्कशीट से हम इस पार्ट नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी के विभिन्न भागों के बारे में जानते आ रहे हैं, और हमने हर वर्कशीट में कुछ ना कुछ नया जाना भी है। जैसे सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल में जो ग्रह शामिल हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर हमारी पृथ्वी की उसमें क्या जगह है, पृथ्वी का भी एक उपग्रह है चंद्रमा, उसके बारे में हमने पढ़ा, दूसरे ग्रहों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम इस जानेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है या ये गैलेक्सी क्या चीज़ होती है और ब्रह्मांड क्या चीज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं। पिछली वर्कशीट में आपने सौरमंडल के बारे में समझा। जिस धरती पर हम रहते हैं वह सौरमंडल का हिस्सा है और सौरमंडल ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो आइए समझते हैं कि यह ब्रह्मांड है क्या। दिन में हम सूरज को चमकते हुए देखते हैं और रात में हम आकाश में हजारों टिमटिमाती हुई वस्तुओं को देखते हैं। सूर्य और इन सभी टिमटिमाती वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है, और ये तो हम पिछली वर्कशीट से पढ़ते ही आ रहे हैं कि इन सभी वस्तुओं को, चाहे वो तारे हैं, चाहे वो चंद्रमा है, चाहे ग्रह हैं, चाहे सूर्य हैं, इन सबको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। यह सभी गैलेक्सी का संग्रह है, यानी यूनिवर्स, जिसका हिंदी में मतलब ब्रह्मांड भी है, वो सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं, और सभी गैलेक्सियों को मिलाकर जो बनता है उसे हम यूनिवर्स या ब्रह्मांड कहते हैं। अब ये गैलेक्सी कैसे बनती है? गैलेक्सी को ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैसें, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और अन्य खगोलीय पिंड भी शामिल हैं। तो यहाँ पर ये जो क्षुद्र ग्रह आया, इसको हम इंग्लिश में एस्टेरॉइड कहते हैं, यानी बड़ी बड़ी जो चट्टानें जो इस सौरमंडल में, इस अंतरिक्ष में घूम रही हैं, उनको हम एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकमात्र बड़ी इकाई ब्रह्मांड ही है और यह सभी गैलेक्सी को मिलाकर बनती है। तो इसका मतलब एक गैलेक्सी ही इतनी बड़ी है तो सारी गैलेक्सी को मिलाकर ये पूरा ब्रह्मांड बनता है। आकाश में तारों का सफ़ेद चमकता हुआ मार्ग मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। तो देखिए, जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल है उसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे, ये याद रखिएगा।
और हमारी गैलेक्सी इस मिल्की वे का ही एक हिस्सा है। इसे हम आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये आकाश में तारों का सफ़ेद चमकता हुआ एक मार्ग जैसा होता है, एक रास्ता जैसा होता है, इसलिए इसको हम मिल्की वे कहते हैं। तो यहाँ दो तस्वीरें दे रखी हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है। जैसे कि ये पहले वाले चित्र में तो मिल्की वे आकाश गंगा बनाई हुई है, और दूसरे वाले चित्र में अगर आप देखें तो ये सारे ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। तो इस तस्वीर के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या निहित है, यानी ब्रह्मांड में क्या शामिल है। इससे स्पष्ट है कि केवल एक ब्रह्मांड है, और जो कुछ भी है, जो कुछ भी मौजूद है, वह इस ब्रह्मांड में ही मौजूद है। तो कुछ और बातें भी जानें इसके बारे में। सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा ब्रह्मांड में कई छोटे खगोलीय पिंड भी हैं, यानी ये सब तो बड़े बड़े खगोलीय पिंड हैं ही, इनके अलावा छोटे छोटे खगोलीय पिंड भी हैं। जैसे वे ये सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, और इन्हें एक क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो अब आप समझे एक क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, यानी ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे चट्टान की टाइप से, या बड़ी बड़ी चट्टानें या बड़े बड़े पत्थर का रूप, और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच ही पाए जाते हैं, और शायद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये उसकी ओर खींचे चले आते हैं और अपना पथ भी बदल लेते हैं। अभी तक का जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है सेरेस। क्या नाम है? सेरेस। फिर इसके बाद चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें उल्कापिंड कहते हैं, यानी जो बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं लेकिन वो भी परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो फिर जलने लग जाते हैं। देखिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इस प्रकार का है कि वो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन जैसे ही ये उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आने लगते हैं तो पृथ्वी के जो घर्षण बल के कारण ये गर्म हो जाते हैं। अभी आगे हम इसके बारे में समझेंगे भी। ये जो उल्कापिंड होते हैं ये घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं और फिर जल जाते हैं। उल्कापिंड पूरी तरह से नष्ट नहीं होता और पृथ्वी पर गिरता है तो वो इतना बड़ा होता है कि उस जगह पर गड्ढा बना देता है। तो अब आप समझे कि ये उल्कापिंड जो हम कहते हैं कि ये तारा टूट रहा है, असल में वो तारा नहीं टूटता बल्कि उल्कापिंड होते हैं जो कि पृथ्वी की ओर खींचे चले आने के कारण जब वो आते हैं तो घर्षण बल के कारण वो जलने लग जाते हैं, इसलिए हमें वो रोशनी सी दिखाई पड़ती है। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो चलिए अब स्वयं को जाँच के देखते हैं कि हमने क्या सीखा है। तो पहला प्रश्न है कि ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं। तो ब्रह्मांड एक बड़ी इकाई है और सभी गैलेक्सी मिलकर ही ब्रह्मांड बनाती हैं। दूसरा प्रश्न है कि गैलेक्सी क्या है। तो गैलेक्सी को ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैसें, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। और चौथा प्रश्न बड़ा ही मज़ेदार है कि कल्पना कीजिए अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा। तो इसमें आप खुद के विचार, अपनी जो भी काल्पनिक चीज़ें आपको लगती हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें जो लिखा है वो मेरी एक सजेशन है कि अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी पर सुनामी और भूकंप का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी तेज़ी के साथ गिर के टकराएगा कि सुनामी और भूकंप का खतरा उत्पन्न हो सकता है, और हवाएं इतनी तेज़ चलेंगी कि वो तबाही का कारण बन जाएंगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।